देवताओं का ज्यादा नाम लेोगे तो धोखे में रह जाओगे। एक बहुत बड़ी बात कहूंगा, बहुत बड़ी बात जो कम लोग कहते हैं। मैं कोई देवताओं की निंदा नहीं कर रहा, आप अन्यथा नहीं लेगी देवताओं की निंदा। मैं नहीं कहता कि हनुमान जी के मंदिर मत जाओ, दुर्गा आप जाओ, दुर्गा जी, हनुमान जी, शंकर जी, भैरव जी, बाबा जी, जो जाओ, लेकिन एक को पकड़ लो। मुझे कभी कभी घर में बैठा रहता हूं आश्रम में, तो मन में ऐसे शंका होती है, हिंदू है ना, हिंदू हिंदू समझते हो, हम और आप और हम जो हिंदू है, ये हिंदू मरते दम तक कंफर्म नहीं कर पाता है कि मेरा इष्ट है कौन। राम राम राम, मरते दम तक कंफर्म नहीं कर पाया कि मेरा इष्ट है कौन। जब तक आप एक को नहीं पकड़ोगे, जितने संप्रदाय के लोग उनके सबके एक है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई, लेकिन हिंदू दर दर भटक रहा है। इस हिंदू को अभी यहां कह दिया जाएगी, वहां एक पीर बाबा की समाधि में सारा कुछ बता रहे हैं, तो कथा एक तरफ है। अरे राम राम, बुरा मत मानना, एक को पकड़ो। एक साधे सब सधे, तो सब साधे सब जा। भरोसा, एक सेठ है, सेठ समझते हो, सेठ बड़े बड़े सबका बैठे सेठ, एक अपने मुनीम को घर में रखता है, उसमें दुकान में, फैक्ट्री में रख लेता है। सेठ को मुनीम पे भरोसा रहता है, और मुनीम को सेठ पे भरोसा रहता है। बढ़िया साहब से फोन आएगा, इतने, हाँ मुनीम, इतने पैसे दे दीजिए थोड़ा फौरन। मुनीम के घर में कोई जैसा 10-20 साल मुनीम में भी रह गया कुड़िया साहब के घर में, तो मुनीम को भरोसा है कि मेरे घर में कोई काम होगा तो सेठ जी मेरा काम करेंगे, और सेठ जी को भी भरोसा है कि मुनीम छोड़ के नहीं जाएगा, मुझे पूरा भरपूर करके जाएगा। हम लोग 2 दिन किसी देव को अगरबत्ती दिखाते हैं, 3rd दिन किसी को दिखाते हैं, 5 दिन किसी महात्मा के पास, 2 दिन किसी पीर के पास। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। जीवन है तेरे हवाले। मेरे दिलीप जी मुझे टेलीफोन करके परेशान करते हैं, मैं आपके भाव को प्रणाम करता हूं। आपका मन दृढ़ है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, भागवत मंच से आपकी कामना पूर्ण होगी। आपका विश्वास हल्का है, विश्वासों फलदायक है, जिसको विश्वास है अवश्य फल मिलेगा। हाँ देर है, लेकिन प्रभु के यहां अंधेर नहीं है। देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, पता नहीं चलता कब दे दिया। रात में सो रहे, प्रातः उठा, पूरा जलमग्न, तड़तड़ तड़तड़ बारिश हुई, कब पता, कब हुई, किसी को पता। मनुष्य जब देता है तो संसार को पता लगता है, लेकिन परमात्मा जब देता है तो बगल वाले को भी पता नहीं, हाथ को भी पता नहीं कब दे गया। इस कथा के कहने का भाव, गजेंद्र मोक्ष का मेरा एक कारण है, आप एक को पकड़ो। यथा तरोर्मूलनि से चनेन तृप्तं दशकंद भुजो